हम चैप्टर नंबर टू में वर्ड्स की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर नाइन तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर टेन है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ टू अपॉन एफ -3 प्लस 1। ये वैल्यू निकालनी है हमें फर्स्ट पार्ट में। इसमें तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एफ टू की वैल्यू निकालेंगे और एफ -3 की, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो एफ टू की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स की जगह 2 पुट कर दें, क्योंकि एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आ गई 4 × 3 = 12 प्लस 4 प्लस 1 3 17/3। ये वैल्यू आ गई एफ टू की। नेक्स्ट एफ -3 की वैल्यू, एक्स की जगह हम -3 पुट करेंगे, तो ये वैल्यू बन गई 3 × 9 -6 प्लस 1 -2 28 -6 अपॉन -2 22 अपॉन -2। ये वैल्यू आ गई है -11। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी एफ टू अपॉन एफ -3 प्लस 1। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, एफ टू की वैल्यू है 17/3 और एफ -3 की वैल्यू है -11 प्लस 1। तो वैल्यू आ जाएगी 17/3 इंटू -11। तो एलजीएम ले लेंगे 33 -17 प्लस 33, तो वैल्यू आ गई 16/33। ये वैल्यू आई है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² -3x प्लस 1 अपॉन x -1। एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, इसमें फाइंड करना है एफ -2 प्लस एफ 1/3। एफ -2 की वैल्यू भी निकालनी है, एफ 1/3 की वैल्यू भी निकालनी है। एफ -2 की वैल्यू का क्या होगी, जहां पर एक्स है वहां पर -2 पुट कर दें, -2 -1। तो वैल्यू हो जाएगी 4 + 6 + 1 अपॉन -3 -11/3। हमने एफ -2 की वैल्यू निकालनी है तो एफ एक्स का फॉर्मूला है उसमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स एक्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो एक्स की जगह हम जो भी रखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी एफ -2 की आ गई है। इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे एफ 1/3 की, तो एक्स की जगह 1/3 पुट करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर -3 × 1/3 + 1 1/3 -1। स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/9, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 दोनों आपस में कैंसिल, नीचे एलसीएम 3 1 -3। तो ये वैल्यू आ गई 1/9 अपॉन -2/3। तो ये हो जाएगा 1/9 -12 आएगा 3/2। तो ये वैल्यू आ गई है -1/6। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर -11/3 आई है हमारे पास। एफ -2 की वैल्यू क्या आई है, -11/3, और एफ 1/3 की वैल्यू आई है -1/6। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज को रखना है इसमें, दोनों वैल्यूज को रखेंगे एफ -2 + एफ 1/3
माइनस एफ माइनस टू की वैल्यू है माइनस इलेवन बाई थ्री और ये वैल्यू है माइनस वन बाई सिक्स, तो एलसीएम आ गया सिक्स और ये माइनस ट्वेंटी टू माइनस वन क्या आ गया माइनस ट्वेंटी थ्री बाई सिक्स। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम, बस वैल्यू निकाल के इनको ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है, एफ सच दैट एक्स टू कन्वर्ट कर रहा है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन में, और जी फंक्शन है वो एक्स कन्वर्ट कर रहा है एक्स प्लस वन बाई टू में। फाइंड करना है एफ थ्री अपॉन एफ थ्री प्लस जी थ्री, तो इनकी वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हियर। एक्स को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू। हमें वैल्यू चाहिए एफ थ्री की और जी थ्री की, तो एक्स की जगह थ्री रखेंगे तो थ्री का स्क्वायर माइनस वन, नाइन माइनस वन वैल्यू आ गई एट, और जी थ्री की वैल्यू एक्स की जगह थ्री रखेंगे थ्री प्लस वन बाई टू फोर बाई टू वैल्यू आ गई टू। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम एफ थ्री अपॉन एफ थ्री प्लस जी थ्री, तो एफ थ्री की वैल्यू है एट और नीचे एट प्लस टू वैल्यू होगी एट बाई टेन, टू से कैंसिल कर देंगे क्या वैल्यू आ गई फोर बाई फाइव। ये आ गया क्वेश्चन नंबर इलेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वन जीरो माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर टू जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो और फॉर एक्स लेस टू जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर के लिए इसका हमें ग्राफ बनाना है, जीरो से बड़े जितनी भी एक्स की वैल्यू हो उनके लिए वैल्यू ओनली वन है इस फंक्शन की। एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो ओरिजिनल लाइन में हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन। तो एक्स की वैल्यू जब जीरो से ग्रेटर है तो वाई की ओनली वन वैल्यू विच इज़ वन। जीरो से बड़े एक्स की कोई भी वैल्यू रख लेंगे उसके लिए y की वैल्यू ओनली वन है, तो ये मान लेते हैं y की वैल्यू वन है और ये मान लेते हैं y की वैल्यू माइनस वन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरो से बड़ों के लिए तो इसको ऐसे करेंगे हम, ओपन मीन्स ये पॉइंट जीरो पर ये वैल्यू नहीं है, जीरो पर तो क्या वैल्यू फंक्शन की, यहाँ डॉट करेंगे, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, जीरो से आगे वैल्यू फंक्शन की क्या रहती है, ये y इज इक्वल टू वन है। एक्स की वैल्यू जब जीरो से बड़ी है तो उसके लिए वाई की वैल्यू क्या बनी हुई, बराबर वन बनी हुई, सभी जीरो से बड़ी वैल्यूज़ के लिए जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो उन सब वैल्यूज़ के लिए वाई की एक जैसी वैल्यू है और वो क्या है, वन है। तो इस तरह की लाइन ड्रा हो गई है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम है, इधर हो गया एक्स की वैल्यू जीरो से कम, इधर वन टू थ्री फोर इन सब पर फंक्शन की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, वन है, टू पर भी वन है, थ्री पर भी वन है, मीन्स जीरो से बड़े जो भी एक्स की वैल्यू उन सब के लिए वाई की वैल्यू एक जैसी है वन। तो हम इन सब पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन गया वाई इज इक्वल टू वन का, जीरो से बड़ों के लिए, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है। मीन्स ये पॉइंट जीरो पर यहाँ वैल्यू नहीं है, जीरो पर तो यहाँ है और जीरो से आगे जाते ही वैल्यू यहाँ है। अब जीरो से छोटों के लिए भी इसका सर्कल करना पड़ेगा क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं है। जीरो से छोटों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन हो चाहे माइनस टू चाहे माइनस थ्री, फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस वन है। जीरो से छोटे जितने भी उनके लिए माइनस वन है, तो ये आ गया वाई इज इक्वल टू माइनस वन। स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि सभी जगह वाई की वैल्यू क्या बनी रहेगी, माइनस वन। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर टू जीरो और जीरो फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस वन फोर एक्स लेस टू जीरो। जीरो से बड़ों के लिए तो एक ही वैल्यू है फंक्शन की वन,
वाई की वैल्यू वन है, वन के सामने ले जाएंगे फिर। हर एक पॉइंट पर एक्स की ईच वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, वो वन है। एक्स की वैल्यू जब जीरो से कम है तो उसके लिए वाई की वैल्यू माइनस वन है, और जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो पर हमने ये जीरो जीरो पॉइंट है इसका, और जीरो से आगे इससे आगे लेंगे तो इसको सर्कल कर दिया कि ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। ये सब पॉइंट है, इन पर वाई की वैल्यू वन बनी हुई है, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से ग्रेटर। तो ये बन गया जीरो से ग्रेटर के लिए, जीरो से लेस के लिए, और ये जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डोमेन रेंज का क्वेश्चन है 13। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यू फंक्शंस। तो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x / x - 4। तो इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज बतानी है, ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड होगा। इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो हमने बता रखा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। अगर रियल नहीं आएगी तो वहां पर हम क्या कहेंगे, फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, जीरो। तो ये लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। जब डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो जीरो कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, फोर हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो रियल वैल्यू नहीं आएगी। 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है, फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आ रही। एक्स की जगह फोर रखने से डिनोमिनेटर जब जीरो बनता है तो वो रियल वैल्यू फंक्शन की नहीं आती, रियल वैल्यू नहीं है। तो इसकी डोमेन आ गई यहाँ पर एफ की, एक्स की वैल्यू हम क्या नहीं रख सकते इसमें, फोर नहीं रख सकते, बाकी सभी रियल नंबर हम इसमें रख सकते हैं। तो ये आ गया डोमेन R-4। रेंज जो जो एफ एक्स की वैल्यू आती है उनको क्या कहते हैं, रेंज। अब डायरेक्ट पता लग जाए तो ठीक है, नहीं तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, एक्स की। एक्स की वैल्यू वाई के अंदर निकालेंगे तो जो जो वाई की वैल्यू पॉसिबल होंगी वो आ जाएंगी, और वाई की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रेंज। इसमें हमें डायरेक्ट पता लग रहा है एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आएंगी। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, x-4/x-4। x-4 से x-4 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई, -1। तो इसकी रेंज आ गई इस फंक्शन की -1। रेंज ऑफ एफ ओनली -1 आया है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी इस फंक्शन की, -1 आएगी। चाहे एक्स के हम जो मर्जी वैल्यू रख लें, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। और जो जो एफ एक्स की वैल्यू होती हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। इसका सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू x²-9/x-3। तो इसमें ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, जीरो। तो एफ एक्स की ये जो डेफिनेशन बनी है ये किन एक्स के लिए डिफाइंड नहीं होगी, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन x-3 इज इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, तो वो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसकी डोमेन आ गई डोमेन ऑफ f R-3, ये डोमेन आ गई इसकी। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। रेंज क्या होती है, फंक्शन की जो जो वैल्यूज आती हैं उन्हें रेंज कहते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, x-3 से x-3 कैंसिल, तो अगर हम x की वैल्यू रियल रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आ रही है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x+3, ऑल रियल वैल्यूज y की। x रियल रखेंगे, 3 ऐड करेंगे तो रियल वैल्यूज आएंगी, क्या वैल्यू नहीं रख सकते हम, 3 नहीं रख सकते। तो 4x इज इक्वल टू 3
वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 + 3 = 6। एफ एक्स को हमने वाई कह दिया, तो जब एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 6 आ रही है। इसका मतलब वाई की वैल्यू 6 नहीं आएगी, क्योंकि डोमेन के अंदर 3 नहीं है। बाकी सभी रियल नंबर रख सकते हैं, तो सारे रियल नंबर आएंगे, छोड़कर किसको, 6 को। क्योंकि किसी रियल नंबर, हम कोई रियल नंबर रखेंगे उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हर बार रियल, और सारे रियल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि हम बारी बारी सभी रियल नंबर रखेंगे तो सब रियल नंबर इसमें आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर, छोड़कर किसको, 6 को। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक्स की जगह क्या नहीं पुट करना, 3 नहीं पुट करना, क्योंकि डोमेन में नहीं है। अगर हम एक्स की जगह 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या बनती है, 6। तो इसकी रेंज आ गई, रेंज ऑफ एफ, वाई की वैल्यू 6 नहीं आ सकती, क्योंकि डोमेन में है वही वैल्यू एक्स की रखनी है, तो 3 रखेंगे तो 6 आएगी, 3 रखना नहीं इसमें वैल्यू, तो रेंज ऑफ एफ आ गई यहाँ से R-6, ये आ गई इसकी रेंज। वाई की वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं, सभी रियल वैल्यू आ जाती हैं इसके लिए एक्स की, अगर रियल रखेंगे तो, लेकिन एक 3 वैल्यू नहीं रखनी, तो 3 रखेंगे तो क्या वैल्यू बन रही, वाई की 6, तो रेंज ऑफ एफ आ गई R-6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू ax+b / bx - a। इसके हमें डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन क्या होगी, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, रियल आए। एक्स की उन रियल वैल्यूज को हम डोमेन में रखते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू भी रियल आए, तो हम कब देखेंगे, कब ये रियल नहीं आएगी वो देखना है बस हमें, कब रियल नहीं आएगी, जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0, या रूट के अंदर हो तो क्या बन जाए, नेगेटिव। मीन्स रियल नहीं आएगी वैल्यू जब डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 0। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड वेन bx - a = 0, देन bx = a और x = a/b। तो डोमेन आ गई इसकी एफ की, डोमेन ऑफ एफ R-AB, R-AB। अब हम निकालेंगे इसकी रेंज, रेंज में अगर डायरेक्ट वैल्यू पता लगती है तो ठीक है, नहीं तो किसकी वैल्यू निकाल लें, एक्स की, उल्टा करके एक्स की वैल्यू निकाल लें, उनसे पता लग जाएगा कि एक्स की वैल्यूज के लिए क्या क्या वाई की वैल्यू पॉसिबल हैं। तो हम वाई की वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स को क्या रखेंगे, वाई इज इक्वल टू ax+b / bx - a। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, bxy - ay = ax+b। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की टर्म एक तरफ करेंगे, कॉमन ले लिया एक्स में, जो मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में चला गया, अब देखो एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई है, ऑल रियल, तो एक्स की वैल्यू इसकी डोमेन में कौन कौन सी वैल्यू ले आएंगी वाई की, उन्हीं वाई की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, रेंज। एक्स जब R-AB में होगा तो उनके लिए वाई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, वो क्या हो जाएगी इसकी रेंज। तो एक्स रियल नंबर आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा, ए वाई, देन BY - A इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स BY - A, वेन BY - A इज इक्वल टू 0, देन BY इज इक्वल टू A, और Y इज इक्वल टू क्या आ गया, A/B।
एक्स रियल नंबर होगा देन क्या होगा, बी वाई माइनस ए नॉन जीरो, तो ये जीरो कब आएगा वो देख लेते हैं। बी वाई माइनस वेन बी वाई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू ए वाई बी, तो वाई की वैल्यू आ गई है ए वाई बी। तो इसकी जो वाई की वैल्यू क्या नहीं रख सकते इसमें हम, ए बाई बी नहीं रख सकते, कोई भी बाकी रखेंगे तो क्या आएगी हर बार एक्स की वैल्यू रियल आएगी कोई रियल नंबर रखेंगे तो। बस वाई की वैल्यू क्या नहीं रख सकते ए बाई बी, क्योंकि ए बाई बी रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जीरो, और फिर एक्स क्या नहीं रहेगा आर में नहीं रहेगा, तो रियल के लिए तो आ गई है एक्स, जब रियल नंबर हो तो उसके लिए वाई की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन एक्स क्या नहीं होना चाहिए ए बाई बी भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए लेट इफ पॉसिबल एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी देन ए बाई बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी अपॉन बी वाई माइनस ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल, माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए बाई बी के लिए वाई की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्स की वैल्यू जब हम ए बाई बी रख के देखते हैं उसके लिए वाई की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब वाई की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, ए बाई बी को छोड़ के सभी रियल वैल्यूज हम इसमें रख सकते हैं, जिनके लिए एक्स भी क्या आएगा आर में आएगा, और एक्स भी किस में आएगा आर माइनस ए बी में आएगा, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू आर माइनस ए बी, मीन्स इसकी रेंज आ गई है वाई की जो पॉसिबल वैल्यू है बस वाई की वैल्यू ए बाई बी नहीं आएगी, तो रेंज ऑफ एफ क्या आ गई आर माइनस ए बाई बी, ये रेंज आ गई है। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, वाई की वैल्यूज को रेंज कहते हैं और एक्स की वैल्यूज को हम, इट इज नॉट ट्रू मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, हम क्या कहेंगे यहां से, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। तो इस फंक्शन के हमें डोमेन और रेंज बतानी है, तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, फंक्शन एक्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर में, ये पेयर्स आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो सभी रियल नंबर एक्स की जगह रख सकते हैं छोड़कर किसको वन को, तो इसके डोमेन हम देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग डोमेन क्या होगी और देखना चाहें तो हम, ये एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड वेन वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड वेन वन माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस वन, तो हम एक्स की वैल्यू क्या नहीं रख सकते इसमें प्लस माइनस वन नहीं रख सकते, प्लस वन और माइनस वन नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वन और माइनस वन इसमें रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर जीरो, कब बनेगा वो देखना चाह रहे हैं, वो कब बनेगा जब एक्स की वैल्यू वन हो या फिर माइनस वन हो, तो ये डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है और डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो ये रियल वैल्यू नहीं रहेगी फंक्शन की, तो जहाँ पर फंक्शन की रियल वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ पर हम क्या कहेंगे फंक्शन को नॉट डिफाइंड, और वो डोमेन में वैल्यूज एक्स की नहीं आएंगी, तो यहाँ पर फंक्शन की डोमेन क्या बन गई डोमेन ऑफ एफ आर माइनस वन और माइनस वन, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू क्या नहीं रख सकते इसमें वन और माइनस वन, क्योंकि उनके लिए फंक्शन क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बन रहा है उनके लिए जीरो, तो डोमेन ऑफ एफ आ गई आर माइनस वन माइनस वन, एक्स की वैल्यू हम वन और माइनस वन नहीं रख सकते। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वाई की, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई की वैल्यू अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता लगे तो हम किसकी निकालनी है एक्स की, उल्टा करके करते हैं
इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता लग रही वाई की, तो हम किसकी निकाल लें, एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, वाई माइनस वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, माइनस है उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा और वन इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई माइनस वन अपॉन वाई, ये एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सभी रियल नंबर आने चाहिए छोड़कर किसको, वन को और माइनस वन को। तो एक्स की वैल्यू रियल कब आएगी, एक्स विल अज्यूम रियल वैल्यूज, एक्स की रियल वैल्यू कब आएंगी, जब ये रूट के अंदर कैसी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो एक्स विल अज्यूम रियल वैल्यूज इफ वाई माइनस वन अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू हम रियल कब मानेंगे, जब रूट के अंदर जो वैल्यू है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। और एक्स की वैल्यू हमें रियल ही चाहिए क्योंकि डोमेन में आर माइनस, ये देख लेंगे क्या इनके लिए पॉसिबल है क्या वाई की कोई वैल्यू। तो अब देखो दो नंबर्स का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो शो कर रखा है, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास दो केस होंगे, वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और सॉरी इक्वल टू जीरो नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर टू जीरो रहेगा नीचे वाला। देखो दो नंबरों का डिवीजन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो या तो दोनों ग्रेटर टू जीरो होंगे या फिर दोनों लेस टू जीरो होंगे, मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, जैसे 2/4 क्या रहे रेशियो 1/2, ऐसे -2/-4 ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो दो नंबर्स का रेशियो पॉजिटिव कब आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता। इसको सोल्व करेंगे तो -1 इधर चला जाएगा और वाई ग्रेटर टू जीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें वाई की वो वैल्यू चाहिए जो जीरो से बड़ी हो और वन से भी बड़ी हो, जीरो से बड़े चाहिए नंबर और किससे बड़े चाहिए, वन से बड़े चाहिए। तो क्या आ गया दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, वन या वन से बड़े नंबर, वन से लेकर इन्फिनिटी, ये आ गई वाई की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें और देख लेते हैं, ये भी इसको जीरो से बड़ा रख रहा है, ये भी जीरो से बड़ा, तो इसमें ये वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, जीरो से लेस और ये कह रहा है वन से लेस, तो किससे लेस, जीरो से लेस जो दोनों में कॉमन है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और दोनों का यूनियन कर देंगे हम, तो वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज आई है हमारे पास वो ये आई है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ दी फंक्शन। अब हमें एक चीज और देखनी है इसके अंदर, क्या कभी एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन हो सकती है, उसके लिए कोई वाई तो नहीं है, अगर वन और माइनस वन के लिए कोई वाई एग्जिस्ट करते होंगे तो उन वाई को हम इसमें से हटा देंगे। तो एक्स की वैल्यू मैं वन और माइनस वन रख के देखता हूँ, इसमें क्या आया था, वाई माइनस वन अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पर वन रखेंगे हम तो क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस रूट वाई माइनस वन अपॉन वाई, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई माइनस वन अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन, वाई से वाई कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, ये तो ट्रू नहीं है, ये क्यों आया, क्योंकि हमने एक्स को क्या मान लिया, वन। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन के लिए वाई की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और नहीं माइनस वन के लिए करेगी, क्योंकि माइनस वन करेंगे तभी ये रिजल्ट आएगा, तो वाई की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो वाई की जो जो वैल्यूज पॉसिबल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन की रेंज कहते हैं। तो इस फंक्शन की रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से इन्फिनिटी, क्योंकि वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ दी फंक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है इसमें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है द ऑर्डर्ड पेयर फाइव टू बिलोंग्स टू द सेट आर। ये बताना है इसके अंदर ये है या नहीं। तो फाइव टू हमें चेक करना है इस आर में है नहीं, तो एक्स की जगह हम फाइव रखेंगे और वाई की जगह टू रखेंगे। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो आर में है, क्योंकि कोई भी पेयर होगा आर में तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो एक्स की जगह मैं फाइव रखता हूँ और वाई की जगह, ये इक्वेशन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, तो एक्स की जगह फाइव रखेंगे तो क्या आ गया, टू इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्स की जगह फाइव रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो फाइव जीरो होना चाहिए था, फाइव जीरो तो इसमें बिलोंग करेगा, लेकिन फाइव टू इसमें बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, फाइव टू इस रिलेशन के अंदर नहीं है। सेकेंड पार्ट है पी इज इक्वल टू वन टू, देन पी क्रॉस पी इज इक्वल टू वन 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 टू 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 और वन टू टू और टू वन वन। तो हमने पहले भी बनाया था पी क्रॉस पी, तीन सेटों का बनाना है अब की बार, तो पहले हम दो का बना लेते हैं फिर तीसरे के साथ बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, पी क्रॉस पी एक इसका ले एक इसका ले, तो वन वन ऐसे वन टू टू वन और टू टू ये बन गए जैसे। अब पी को एक और पी इसके साथ लगाएं तो दो तो ये रहेंगे ही पी क्रॉस पी वाले, तीनों पी में से एक एक एलिमेंट लेना होता है, तो दो तो ये रहेंगे इसके साथ पी का और लग जाएगा, तो क्या है वन 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 फिर वन 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 टू, ऐसे ही वन टू इसके साथ लगाएंगे वन टू वन और वन टू टू ऐसे। तो इसमें बहुत सारे देखो वन टू वन इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे एट, इसमें कितने हैं ओनली फोर, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, पी क्रॉस पी इसके इक्वल नहीं है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट चेक करना है, यूनियन है। फोर्थ पार्ट है इफ एक्स माइनस टू कोमा वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू आर टू इक्वल ऑर्डर पेयर्स, देन एक्स इज इक्वल टू फोर एंड वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन बाई थ्री। ये बताना है क्या ये सही है, अगर इक्वल होंगे तो क्या वैल्यू आएंगे, हम चेक कर सकते हैं एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट फर्स्ट फर्स्ट के और सेकंड सेकंड के, दो पेयर अगर इक्वल होते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, माइनस टू प्लस टू क्या आ गई, जीरो, जीरो वैल्यू तो नहीं है एक्स की, तो ये क्या हो गया रिजल्ट, यहाँ से फॉल्स हो गया। ये तो आ रही है वाई की तो, लेकिन एक्स की भी होनी चाहिए थी, दोनों होनी चाहिए थी, तो ये क्या कहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इस तरह से करेंगे। अगला ए क्रॉस बी बता रखा है, ए क्रॉस बी में जो पेयर्स हैं वो ये हैं ए एक्स सॉरी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तब हमें ये बताना है क्या ये सही है, देन ए इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ये बताना करेक्ट है क्या। तो ये करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पेयर से तो क्या बनता है, फर्स्ट पेयर कौन सेट के होते हैं ए के, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हो कौन है ए बी, और सेकंड जो कंपोनेंट है उनसे कौन बनेगा बी, बी में कौन है एक्स और वाई सेकंड कंपोनेंट्स, तो ये बन गया हमारे पास ए और बी, ये तो ट्रू है ये रिजल्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है।